ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ सुना रही हूँ। सबसे पहले हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कहानी, फिर सुनेंगे एकादशी माता की कहानी, फिर भगवान कृष्ण की कहानी, तुलसी माता की कहानी और अंत में सभी कहानियों को पूरा करने वाली गणेश जी की कहानी। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का वर्णन विस्तार से सुना, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं श्रावण मास के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को विषम पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा भी सुनाइए और इसका विधान भी बताइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर विषम पितामह ने कहा, नारद जी, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको एकादशी व्रत का विधान बताता हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यातिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, अतः भक्ति पूर्वक हर रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए। रोज पूजा न कर सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करें। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार सागर और पाप में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उसे कहीं अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसका उपवास करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते, नर्क के कष्ट नहीं भोगने पड़ते और वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और चार बार चांदी के दान करने के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि, आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं तो भगवान की प्रिय तुलसी जी को रोज प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यमयातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसे तो मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात में जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को तो लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तेल के तेल का दीपक जलाता है, उसको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसीलिए कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए।
विषम पितामह कहते हैं, नारद जी इस एकादशी का विधान तो आपको मैंने बता दिया, अब मैं आपको इस एकादशी की व्रत कथा भी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ठाकुर जी रहते थे। ठाकुर जी क्रोधी स्वभाव के थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ता गया और क्रोध के कारण ठाकुर जी के हाथों ब्राह्मण की हत्या हो गई। ठाकुर जी को बहुत ग्लानि हुई। अपराध और पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने उस ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने यह आज्ञा नहीं दी, क्योंकि ठाकुर जी पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। ठाकुर जी बहुत दुखी रह रहे थे। एक दिन उनकी भेंट एक मुनि से हुई और उन्होंने उस मुनि से ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस मुनि ने कहा कि ब्रह्म हत्या से मुक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखने से ही मिलेगी। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी ने उन मुनि से इस व्रत की विधि पूछी और मुनि के बताए अनुसार ठाकुर जी ने कामिका एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। रात के समय भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने ही सो गए। स्वप्न में भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। इतनी कथा कहकर विषम पितामह चुप हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कहानी। बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, जबकि बड़ी बेटी छोटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ अधिक ही प्रेम करता था। इस कारण राजा की बड़ी बेटी को छोटी बेटी से बहुत नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तब वह उस पर आकर्षित हो गया और उसे प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगी। इसके लिए उसने छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन को मारने के लिए एक लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया और उसे खाने को कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन तो यह देखकर हैरान हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसे कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन बहन को तो तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद असफल हो रही थी और इससे उसे बहुत ही क्रोध आ रहा था। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही पूछ लिया कि तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने बड़ी बहन को कहा, हाँ मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन तो बहुत प्रसन्न हो गई। उसने छोटी बहन से कहा, तो मुझे बताओ अपने मृत्यु का राज। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। एक तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु हो गई। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तब मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई
उसने उसको मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, इसीलिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि मुझे अपनी पुराने वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। छोटी लड़की की बात सुनकर राजा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, दो तीन दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। दो तीन दिनों बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो बड़ी बहन उसकी कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही वह हार पहनती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी को चेक किया, तब राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात कहीं भी बाहर बताने से मना कर दिया और उन्हें धमका दिया कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। राजा अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले गया और एक पलंग पर लिटा दिया। वहां उसने कुछ सैनिक तैनात कर दिए और वापस अपने महल में आ गया। तब राजा की बड़ी बेटी अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह करने को तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार तो ये जान गया था कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तब सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया। विवाह संपन्न हो गया और राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले आया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था, उसके तो आसपास भी नहीं जाता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी होने वाली पत्नी यानी छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास से गुजर रहा था। वहां उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल में ध्यान से देखा तो समझ गया, यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। उसने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर तो राजकुमार प्रसन्न हो गया और तुरंत ही अंदर गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, तब राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार तो यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान तो एक तोते में बसी थी, मैंने ये बात अपनी बड़ी बहन को बताई, मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसे वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन देती है तब मैं मूर्छित हो जाती हूँ और जैसे ही हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे पास आ जाए तब मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के साथ रहने का निर्णय ले लेता है और अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजकुमारी के साथ ले लेता है और अपना विवाह पूर्ण करता है, वहीं पर रहने लगता है। देखते ही देखते कुछ समय में राजकुमारी और राजकुमार को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। राजकुमारी 11 माता का धन्यवाद करने के लिए पूजा करती है, तभी 11 माता वहां प्रकट हो जाती है। राजकुमार 11 माता को देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और तुरंत ही माता को प्रणाम करता है। 11 माता राजकुमार से कहती है
कि जब तुम्हारा यह पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपाती है और दूसरा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता एक भिखारिन का रूप लेकर आती है। वह भिखारिन का रूप लेकर बड़ी बहन के पास जाती है और भिक्षा मांगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने आते हैं तब माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो रानी से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बहन स्वयं ही भिक्षा देने माता के पास आती है। तब 11 माता एक बिल्ली का रूप लेकर कमरे में जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी माता से उनके गले का हार मांग लो, जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माता के पास जाता है और कहता है, माता मुझे तो तुम्हारे गले का हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो मुझसे बात करेंगे। इसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत ही हार को लेकर अपने पिता को देता है और राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और उसके राजा के पास जाता है और सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपने परवरिश को दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। 11 माता की कृपा से छोटी बेटी के जीवन पर जो संकट आया था वह दूर हो जाता है और राजकुमार और अपने बेटे के साथ वह खुशी खुशी रहने लगती है। हे 11 माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी की रक्षा की, उसके जीवन पर आए हुए संकट को दूर किया, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी की, ऐसे ही इस व्रत कथा को पढ़ने सुनने वाले सबकी रक्षा करना और उनकी मनोकामना पूरी करना। बोलो 11 माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास जी ब्रज में रहते थे। उनके पास श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए एक श्री विग्रह था। वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदैव ही लीन रहते थे और उनकी भक्ति में कोई व्यवधान ना आ जाए इसीलिए शहर से बाहर भी नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भगवत कथा का निमंत्रण आया। उन्होंने पहले तो वहां जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रभु की सेवा में कोई भी विघ्न आए, लेकिन भक्तों के बहुत अधिक जोर देने पर वह जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की सारी तैयारी करके जाऊंगा और प्रतिदिन वापस आ जाया करूंगा, इस तरह उनकी सेवा का नियम भी बना रहेगा और भगवत सेवा भी हो जाएगी। उनके पुत्र का नाम रघुनंदन दास जी था। कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने तैयार कर दिया है, तुम समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। उन्होंने अपने पुत्र को भगवान को भोग लगाने की उचित विधि भी बता दी, क्योंकि उनके पुत्र रघुनंदन दास जी को तो भगवान को भोग लगाने की विधि नहीं आती थी, वो तो अभी बहुत छोटे थे, बूंदी के लड्डुओं का भोग तैयार कर रखा था। अतः रघुनंदन दास जी ने बूंदी के लड्डुओं का भोग श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक पोत दिया और शेष भोग को एक थाली में ठाकुर जी के सामने रख दिया। वह ठाकुर जी से भोग खाने के लिए बार बार आग्रह करने लगे। उनके बाल मन में था कि जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही आकर भोग ग्रहण करेंगे जैसे हम भोजन करते हैं, किंतु जब उन्होंने भोग को वैसा का वैसा रखा देखा तब वह बहुत उदास हो गए। रघुनंदन दास जी ने पूरी श्रद्धा से ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी आकर भोग ग्रहण करो। वह बार बार भोग लगाने के लिए मनोहार करने लगे। उन्होंने सोचा कि भगवान भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, अतः उन्होंने कुछ और भोग के लड्डू भगवान के शरीर पर पोत दिए
और रो रोकर भगवान से भोग ग्रहण करने का आग्रह करने लगे। रघुनंदन दास जी की बाल सुलभ सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया, दोनों हाथों से भोग ग्रहण करने लगे। अब तो रघुनंदन दास जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, वह भगवान को भोग ग्रहण करते हुए कुछ देर तक देखते ही रहे। कुम्भन दास जी वापस आए, वापस आकर पूछा कि भगवान को भोग लगा दिया था? तब रघुनंदन दास जी ने कहा, हाँ जी लगा दिया था। जब उन्होंने प्रसाद मांगा तब रघुनंदन दास जी कहने लगे कि ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। कुम्भन दास जी ने सोचा कि बेटे को भूख लगी होगी, इसीलिए उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा। अब तो रोज का यही नियम बन गया। कुम्भन दास जी भोग की थाली बनाते और अपने बेटे से कहते कि भोग लगा देना, और जब भी अपने आकर बेटे से भोग का प्रसाद मांगते तब वह रोज एक ही बात कहता कि ठाकुर जी ने सारा भोग ग्रहण कर लिया। कुम्भन दास जी सोचने लगे कि उनका पुत्र रोज एक ही बात क्यों बोलता है कि ठाकुर जी ने सारा भोग ग्रहण कर लिया। अगर वह झूठ बोल रहा है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। एक दिन उन्होंने भोग तैयार किया और रघुनंदन दास जी से कहा कि भगवान को भोग लगा दो, और स्वयं छिप गए, छिप कर देखने लगे। रघुनंदन दास जी ने भगवान को भोग लगाने का आग्रह किया तो भगवान बाल रूप में आ गए और बड़े प्रेम से लड्डू का भोग खाने लगे। यह देखकर तो कुम्भन दास जी हैरान रह गए। जैसे ही प्रभु से विनती करने के लिए भागे आए, ठाकुर जी तो उसी समय जैसे वेश में थे, जैसी अवस्था में थे, वहीं जड़वत हो गए। जिस समय ठाकुर जी जड़वत हुए, उनके एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ मुख में जाने को था। तब कुम्भन दास जी ठाकुर जी के इसी स्वरूप की पूजा करने लगे। ठाकुर जी की सेवा तो वैसे ही की जाती है जैसे माँ बच्चे की सुबह से लेकर रात तक देखभाल करती है। इस तरह से हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी स्वरूप में आ गए। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसा माता की कहानी। एकादशी के दिन सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। सभी औरतें तो जल से सींच कर गा बजा कर घर लौट आती, लेकिन एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी जी को सींचने जाती, और जब जाती तो तुलसी जी से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखते हुए देखकर भगवान ने पूछा, तुलसी तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखते जा रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, गा बजा कर तुम्हारा मनोरंजन करती हैं, तुम्हें रिझाती हैं। तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले, जब वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया उसका अंतिम संस्कार करने, लेकिन उसे उठाने लगे तब वह उठे ही नहीं, बहुत भारी हो गई, उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं करती थी, फिर इतनी भारी कैसे हो गई? भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और कहने लगे, ये कैसी भीड़ लगा रखी है? तब गांव वाले बोले, एक बुढ़िया मर गई है, इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान कहने लगे, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा, माई तू तो अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा ग्रास ले ले, वैकुंठ का वास ले ले, चटके की चाल ले ले, चंदन का काठ ले ले, झालर की झनकार ले ले, दाल भात का जीमन ले ले और कृष्ण का कांधा ले ले। भगवान की बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई, वह वैकुंठ को चली गई। ये तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, वैसे ही कथा पढ़ने सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो तुलसी माता की जय हो।
सारी कथा कहकर गणेश जी की कथा नहीं कही तो किसी कथा का फल नहीं मिलेगा। आओ सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, अंधी और गरीब थी। उसकी एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई तो जो चाहे वो मुझसे मांग ले। बुढ़िया माई कहने लगी, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी कहने लगे, बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, तू बता क्या मांगूं? बेटे ने कहा, माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, पोता मांग ले। बुढ़िया माई ने सोचा, ये तो अपने मतलब की बात कह रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसनों से पूछने गई तो उसने कहा, बुढ़िया माई तू थोड़े दिन जिएगी तो धन क्यों मांगे, पोता क्यों मांगे, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई गणेश जी से कहती है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती पोता दो, सब परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन फिर भी तूने जो जो मांगा है तुझे सब मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो जो भी कुछ मांगा था वह उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय हो।